भी दुनिया में सितारों की गंगा हमेशा की तरह बह रही थी। एक बात जो इस समय इस दौर में देखने में आई वो ये थी कि अब विशेष रूप से नायिकाओं के बीच ऐसा अंतर खलनायिका सहनायिका या सपोर्टिंग एक्ट्रेस या हास्य अभिनेत्री का जो एक पुराना पारंपरिक अंतर था वो धीरे धीरे लगभग मिटता चला जा रहा था। मुख्य अभिनेत्री जो होती थी वो इन सभी भूमिकाओं का निर्वाह फिल्म में करती थी और इस तरह उसे फुटेज भी ज़्यादा मिलती थी और साथ साथ जिम्मेदारी भी ज़्यादा मिलती थी। उसके ऊपर फिल्म के चलने न चलने को लेकर, उसके पारिश्रमिक को लेकर इन सब बातों का असर आता था कि कोई स्टार वो किस तरह अपनी फिल्म को खींचता है, चाहे वो हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो। इसी समय शरद चंद के उपन्यास परिणीता पर आधारित कहानी से एक अभिनेत्री आई और दक्षिण की अभिनेत्रियों के बीच एक बार फिर लोगों ने देखा कि सेलिना जेटली, सोनम कपूर, असिन, प्राची देसाई, श्रुति हासन, जैकलीन फर्नांडीज और अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियों के इस दौर में, अभिनेत्रियों की इस दौड़ में विद्या बालन ने तेजी से अपना मुकाम बनाया। ये एक पार्श्व, एक पृष्ठभूमि उनके साथ थी ही कि दक्षिण की कई अभिनेत्रियों ने फिल्मी दुनिया में राज किया है, उन्हें पसंद किया गया है और उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपने अभिनय से अपनी छाप छोड़ी है। इन सभी नायिकाओं के बीच विद्या बालन की तुलना मुख्य रूप से हो रही थी अनुष्का शर्मा के साथ। अनुष्का शर्मा अपनी कई बड़ी फिल्मों से चर्चा में थी और साथ ही साथ विराट कोहली से पहले प्रेम और फिर विवाह को लेकर भी उनकी चर्चा गर्म थी। लेकिन इसी बीच विद्या बालन की एक फिल्म आई, डर्टी पिक्चर। ये सिल्क स्मिता जो अभिनेत्री थी दक्षिण की, उसकी बायोपिक थी और ये फिल्म इस तरह कामयाब हुई, इस तरह पसंद की गई कि निर्माताओं का ध्यान, कहा जाता है कि बॉलीवुड में लगभग हर तीसरा चौथा निर्माता किसी न किसी बायोपिक को ही अगली कहानी के रूप में ढूंढने लगा और ढेर सारे खिलाड़ियों, नेताओं और अन्य लोगों के की बायोपिक आरंभ हुई। डर्टी पिक्चर के बाद एक फिल्म आई पा, उसमें भी विद्या बालन के अभिनय को सराहा गया और तीसरी फिल्म, वैसे तो उनकी कई फिल्में आई थी, हम पांच, लगे रहो मुन्ना भाई, गुरु, हे बेबी, भूल भुलैया, हल्ला बोल आदि, लेकिन एक फिल्म कहानी और फिर उसके बाद तुम्हारी सुलू तक पहुँचते पहुँचते दर्शक ये मानने लगे कि वो सिनेमा हॉल में वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को देखने पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि जब मिशन मंगल जब फिल्म आई तो विद्या बालन की उपस्थिति एक वैज्ञानिक की भूमिका में बिल्कुल ठीक इसी तरह की थी मानो वो एक वैज्ञानिक ही हो। उन्होंने उस रोल में इस तरह उतर कर काम किया कि वो छा गए और ये धारणा एक बार फिर पुष्ट हुई कि दक्षिण की अभिनेत्रियाँ अंततः सफल होती हैं और अखिल भारतीय स्तर पर वो वहाँ की भाषा को न जानते हुए भी वो अपना मुकाम बनाती हैं। विद्या बालन ने भी आने से पहले दक्षिण की कुछ फिल्मों में काम किया था, बांग्ला फिल्म में भी काम किया था, लेकिन हिंदी फिल्मों की वो सिरमौर बन गई और सिर्फ स्मिता के चरित्र को निभा करके जो लोकप्रियता उनको हासिल हुई वो फिल्म दर फिल्म आगे जुड़ती गई। कहानी तक आते आते विद्या बालन की कहानी भी कुछ और हो गई और वो शामिल हो गई हमारे उन अभिनेत्रियों के उस महत्वपूर्ण क्लब, उसी कतार में जहाँ उनकी
तुलना अपने दौर की नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती बाला, साधना, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, काजोल, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा की तरह होने लगी। विद्या बालन का नाम एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इस तरह छा गया। अभी उसके बाद में उनकी फिल्म आई बेगम जान, वो भी बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वो रोल खास तौर से उन्हीं के लिए लिखा गया था, ऐसा लगा उस फिल्म को देखकर। एक बात और कि इस दौर की फिल्में चाहे फिल्म चलें या न चलें, लेकिन जिन अभिनेत्रियों ने या जिन अभिनेताओं ने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया, अच्छे ढंग से किया, उनको जनता ने पसंद किया, फिल्म के पर्दे पर उनको माना, स्वीकार किया, निजी जिंदगी में भी उन्हें एक बड़ी अभिनेत्री या बड़ा अभिनेता